अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांति कुज हरिद्वार के तत्वावधान एवं देवात्मा हिमालय के ऋषि सत्ताओं की सूक्ष्म उपस्थिति में भारतीय संस्कृति एवं संस्कार के नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान हेतु वर्ष 1993 में संपन्न भिलाई अश्वमेध गायत्री महायज्ञ का रजत जयंती समारोह का आयोजन 27 से 30 दिसंबर तक सेक्टर 7 भिलाई के दशहरा मैदान में 151वीं कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ किया जा रहा है, जिसका शंखनाद मंगलवार को हो गया है। यज्ञ स्थल पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के लोग उपस्थित रहे। इस महायज्ञ को लेकर उपस्थित जनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। परम पूज्य गुरुदेव की शांति कुंज हरिद्वार से, वहां पर हमारे टोली नायक के रूप में हमारे बड़े भैया श्री श्याम बिहारी दुबे जी का यहाँ यज्ञ स्थल पर आगमन हो चुका है और यहाँ की भव्यता और दिव्यता को देखते हुए बहुत ही सुंदर गदगद हो गया है। और यहाँ पर हमारे संगीत के सभी भैया लोग भी यहाँ पर उपस्थित है और इस भव्य आयोजन रजत जयंती समारोह बहुत ही शानदार भिलाई में संपन्न होने वाला है। मैं भैया जी से आशीर्वचन के रूप में दो शब्द जानना चाहूँगा। आज के भिलाई में अश्वमेध यज्ञ हुआ, जिसमें परम वंदनीय माता जी अपनी शक्तियों सहित पधारी। बड़ा आयोजन था और उसी गरिमा के अनुरूप आज 25 वर्ष बाद भिलाई के अश्वमेध यज्ञ की रजत जयंती वर्ष का यह समारोह यहाँ के परिजन जिस उत्साह उमंग और हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं वह देखने योग्य है। इतनी बड़ी विराट यज्ञशाला भव्य और दिव्य रूप में यहाँ की झांकियाँ और बड़ी व्यवस्थित तमाम स्टॉल्स तथा गायत्री माता मंदिर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा सहित यहाँ की जो स्टेज बनी हुई है, जो मंच बनी है देव मंच, वह बड़ी भव्य है। हम सभी परिजनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए प्रेम पूज्य गुरुदेव की जय। उन्नी माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। शांति तम्बुत्रा की जय। क्यू टावर खेड़ा की जय। बोलिए प्रेम पूज्य गुरुदेव।